दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरह के ट्रेंडिंग रील्स या शॉर्ट वीडियो को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन के अंदर आप इस तरह के ट्रेंडिंग रील्स या ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियो आप किस तरह से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाएंगे किस तरह से अगर आपको इस तरह के ट्रेंडिंग रील्स बनाना हो, ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियोज बनाना हो जिससे आपका काफी अच्छा व्यूज आए, तो आप कैसे बनाएंगे उसी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुमार और आप देख रहे हैं डीजी भारत। अगर आप कोई मेमोरेबल रील्स बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी इवेंट आपके घर में हुआ है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया या कुछ भी, और चाहते हैं आपके सारे फोटेज का इस्तेमाल करके हम एक बेहतर रील्स बनाएं या स्टेटस वीडियो बनाएं, तो कैसे बनाएं चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने VN वीडियो एडिटर को ओपन कर लिया है, क्योंकि आज मैं VN वीडियो एडिटर में आपको बताने वाला हूँ। तो VN वीडियो एडिटर का इंटरफेस हम आपके सामने कुछ इस तरह से आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब नीचे की तरफ आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इसको पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगा। आज हम आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाले हैं कितने कम समय में आप एक दो क्लिक करके ही मात्र आप एक बेहतर रील्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टेटस वीडियो आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स का आपको एक टेम्पलेट्स देखने को मिल रहा होगा, कैटेगरी जिसके अंदर आपको यहाँ पे कई सारे आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं। तो आज के लिए हम इस टेम्पलेट को यहाँ पे चूज कर लेते हैं और इस पे हमको एडिटिंग करके दिखाते हैं। तो इस टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो चलता हुआ आपको दिख जाएगा। अब इसको हमें इस्तेमाल करना है अपने वीडियोज के लिए, तो उसको हम कैसे करेंगे उसके लिए आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है यूज टेम्पलेट का एक ऑप्शन पिंक कलर में। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपका गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने गैलरी से जो भी फोटेज को चूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ फोटेज को चूज कर लेते हैं, जैसे कि हो गया एक फोटेज हमने यहाँ पे चूज कर लिया, दो हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे जितने भी फोटेज मांगा जा रहा है उतने फोटेज को आप यहाँ पे चूज कर ले। टोटल यहाँ पे 18 फोटेज आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पे हम 18 फोटेज को चूज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 17 फोटेज हो गया, एक फोटेज और हमें चाहिए, एक फोटेज और चाहिए, एक फोटेज और चाहिए, एक फोटेज यहाँ पे और हमने डाल दिया, 18 फोटेज हो गया। इसके पहले टोटल 18 फोटेज हो गया ना, हाँ। तो यहाँ पे टोटल 18 फोटेज हमने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिंक कलर का एक नेक्स्ट का आपको बटन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो VN वीडियो एडिटर का इंटरफेस आपके सामने पूरी तरह से इस तरह से ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जो भी हमने फोटेज को चूज किया वो सारा फोटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब तो फोटेज तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं बीच वाले फ्रेम पे, तो यहाँ पे टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप इजीली लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी फिलहाल लिखा हुआ है मेमोरीज 2023। इसको अगर आप एडिट करके अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे एडिट करके दिखा देते हैं, इसको हम मिटा देंगे। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हैप्पी बर्थडे, HAPPY हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख के किसी को विश भी कर सकते हैं स्टेटस वीडियो लगा के, उनका जितना भी फोटोज है उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करा दीजिए। इंपोर्ट करा के आप एक बेहतर वीडियो बना दीजिए। अब बनाने के बाद आप स्टेटस में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे आप पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिलहाल के लिए ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए हैप्पी बर्थडे का ऐप बन चुका है। अगर हम इसको प्ले करके आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह से आपको प्ले होता हुआ दिखेगा। जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी कम समय लगा, इसमें हमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस टेम्पलेट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर जितने भी फोटेज मांगा गया हमसे सारे फोटेज को हमने चूज किया और यहाँ पर हमने टेस्ट लिखा, हमारा यहाँ पे वीडियो बनकर क्रिएट हो चुका है। तो काफ़ी कम समय में अगर आप किसी को पोस्ट करना चाहते हैं या स्टेटस लगाना चाहते हैं उनके बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे, तो उनका जितना भी फोटेज है आपके मोबाइल में आप उनको कुछ इस तरह से आप अरेंज करके और काफ़ी अच्छी तरह से आप अट्रैक्टिव एक पोस्ट अपलोड कर सकते हैं या रील्स क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट पे, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर में यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। इस बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सिंपली हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजुलेशन वगैरह सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रेम रेट वगैरह इस तरह सारा चीज़ सेट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो काफी कम समय में अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं या अपना खुद का फोटो को अगर आप रील्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, अपना मेमोरी दिखाना चाहते हैं, जैसे इस पर लिखा हुआ था 2023 का मेमोरी, तो इस तरह से आप कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। या कहीं ट्रेवल करने गए तो उस ट्रेवल का जितना भी फोटेज है उसको आप इस्तेमाल करके इस तरह के आप रील्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा है और काफ़ी कम समय आपको लगेगा। तो अगर आप VN वीडियो एडिटर के अगर आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी कम समय में आप एक बेहतर रील्स को क्रिएट कर सकते हैं उसके टेम्पलेट की मदद से। देखिए अब हमारा जो वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से रेंडर हो गया है। अब चलिए हम इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए प्ले करने के बाद जो हमारा वीडियो है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। जो भी फोटो को चूज कीजिएगा वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज होता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे एक म्यूजिक भी है, म्यूजिक को हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे म्यूट कर रखा है क्योंकि कोई वाटरमार्क का इशू ना है। इस वजह से यहाँ पे आपको म्यूजिक भी लगा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप ऊपर से कोई गाना वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल ही सकते हैं म्यूजिक लेयर पे जाके, उसके लिए तो यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिलता ही है। तो कुछ इस तरह के अगर आप रील्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं VN वीडियो एडिटर में तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद इसको आप जहाँ चाहें वहाँ आप इसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी कि किस तरह से आप इस तरह के ट्रेंडिंग रील्स और या ट्रेंडिंग वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, कैसे इंपोर्ट कराएंगे, कैसे इफेक्ट्स वगैरह डालेंगे, उसके बाद मास्किंग वगैरह या जो भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया टूल्स, उस टूल्स को आप किस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया। तो इसी तरह के अगर आप ट्रेंडिंग सीरीज वगैरह बनाना चाहते हैं या वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।